नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप ये जो खबर देख रही हैं आशा आंगनबाड़ी से रिलेटेड खबर है। हम ये जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये जो खबर है चयनित प्रक्रिया से रिलेटेड है। जो चयन हेतु रिक्त सेविका सहायिका के विज्ञापन प्रकाशित से संबंधित एक खबर निकल कर आ रही है। जो खबर है बिहार राज्य से खबर है, तो ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए हम आपको सीधे खबरों की तरफ ले चलते हैं। ये खबर निकल कर आ रही है बिहार राज्य से। समाकेशित बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय बिहार राज्य समाज कल्याण विभाग, जैसा कि बताया जा रहा है ये खबर बिहार राज्य से निकली हुई है। प्रेषक हैं निदेशक ICDS विभाग सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यानी ये लेटर जारी हुआ है DPO और CDPO महोदय को। विषय क्या बताया जा रहा है, चयन हेतु रिक्त सेविका सहायिका के विज्ञापन प्रकाशन से संबंधित निर्देश। जैसा कि बताया जा रहा है चयन प्रक्रिया हेतु सेविका सहायिका के विज्ञापन संबंधी निर्देश ये जारी किया गया है, उसी के बारे में ये लेटर जारी हुआ है। आइए इस लेटर को विस्तार से देखते हैं, इसमें है क्या। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेविका सहायिका चयन हेतु रिक्त प्रकाशन के संबंध में निर्देशित किया कि अब जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि सेविका सहायिका चयन हेतु रिक्त प्रकाशन के संबंध में अब जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के कैडिक 07 के अनुसार इस हेतु आवश्यक कार्य जैसे सर्वे मैपिंग आदि कराकर जिला पदाधिकारी के स्तर के विज्ञापन प्रकाशन कराया जाना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सर्वे मैपिंग आदि कराकर पदाधिकारी के स्तर के विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना है, ताकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रिक्ति को भरा जा सके, जिससे मतलब आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रिक्ति को भरा जा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अविलंब जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर चयन पूरा करा लिया जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि निर्देश दिया गया है कि जो भी चयन रिक्त सेविका सहायिका का है, ये जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित करके चयनित प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए। तो आइए हम आपको अगली खबर जो दिखाने जा रहे हैं, ये अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड देहरादून से। जैसा कि बताया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। 22 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया है देहरादून में। ये जो आपको पेपर कटिंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार राशि 51,000 रुपये करने की घोषणा। जैसा कि जो पुरस्कारित राशि है वो 51,000 रुपये करने की घोषणा भी की गई है। इन्हें मिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार। कार्यकर्ताओं ने घर से निकालकर काम किया। जैसा कि जो कार्यकर्ता ने घर से निकलकर काम की है, इस तरह की सराहनीय कदम उठाई हैं, उन सेविका सहायिकाओं को यहाँ पे पुरस्कारित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।